गोली कहाँ बजे? कौन चलाया गोली? सरकार! बच गई वीडियो! बचेगी नहीं करिया बिलाई! आई! रुक! इतना देर हो गया है, पापा अभी तक नहीं आए, हम अभी देख के आते हैं। अब तक इतना अफरा तफरी मचा हुआ है, कहाँ खोजोगी अपने पापा को? छोड़ दीजिए हमको, इमा हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो खाली आदेश का पालन करें। किसके आदेश पे आए थे बताओ, नहीं तो टेटवा दबा देंगे तुम्हारा। उनका नाम है चिक्का, चिक्का टकराज भेज रही है उसको। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, फांसी पर लटका दीजिए ससुरे को। आठ चल, सिक्का छोड़ दे भाई, मैं कहता हूँ छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। सरगम, 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 यहाँ देखिए, हमको देखिए, हमको देखिए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। मैं ब्लैक। हाँ, बोलिए। हमारे सोनू का ख्याल रखना। हाँ, तो हम दोनों मिलकर।
अगर तुम ही हार मान जाओगी तो तुम्हारे परिवार को कौन संभालेगा? परेशान मत हो मां, पापा को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे पापा। ज्यादा जरूरत है, हम यहां संभाल लेंगे। चोरू का स्कूल से आने का समय हो गया है, उसको अपने साथ घर लेकर चले जाइएगा। लेकिन अगर सोनू हमसे कुछ पूछेगा तो हम उसको कहाँ जा देंगे? अपने आप को संभालो। पापा कैसे हैं? अब ठीक है? होश आया पापा को? अभी उन्हें होश नहीं आया, ऑपरेशन हम कर चुके, लेकिन फिलहाल उनके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। आप लोग प्रार्थना कीजिए, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि तुम्हारा सब दुख संकट उन पर आ जाए। हम भोलेनाथ उनका प्रार्थना सुन भी लिए। ये सब उस सिक्को टुनटुन जी का करा था। अरे तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं वो कृष्णा। ये सब क्या कह रहे हो भैया? बाबूजी इसमें मिले होते तो सरगम का चाहता क्या? बस कृष्णा, अब तो टुनटुन जी का तरफदारी करना बंद करो। इतना बड़ा अनहोनी हो गया, कुछ और अनहोनी होगा तभी तुमको विश्वास होगा। रवि, क्या कर रहे हो तुम? अपना गुस्सा पर काबू रखो, जगह सही नहीं है इस बात करने के लिए। तो भगवान से प्रार्थना करो कि बस बस हमारे पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अरे चाचू, आज आप कैसे आ गए? आज तो मम्मियां लगा ली थी ना, उनको हमारी टीचर से मिलना था, कहीं नहीं आई वो। पता है हमारी टीचर बार बार मम्मी के बारे में पूछ रही थी। क्या
चाचू आप रो का है ना, बताइए ना चाचू, बताइए ना, बताइए ना चाचू, क्यों रो रहा? सुनो मम्मी, मम्मी भगवान के पास चली गई। इसमें रोने का कौन सा बात है, मम्मी तो हर रोज भगवान जी के पास जाती हैं, कभी दीदी के साथ तो कभी पापा के साथ, कितनी बार तो हमें भी ले जाती है अपने साथ। ऐसा नहीं हो सकता है सरकम, आप ऐसा हमारे साथ काहे कर रही हैं? बोलिए ना सरकम, बोलिए, बोलिए ना सरकम। सरकम सरगम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। अरे हम सोनू को क्या जवाब देंगे? बोलिए हम सोनू को क्या जवाब देंगे सरगम? आप खोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना सरगम, बोलिए ना। बिलाय का काम तमाम करने के लिए फिर आप पर प्लानिंग का जरूरत है, ऐसा प्लानिंग
जो बड़का बड़का सीआईडी लोग का छुट्टी कर देगा। तमाशा देखने आए आप यहाँ पर? जी, हमको तो शर्म आता है आपको अपना पति कहते हुए, पर अवनी अब आपका कौन रिश्ता नहीं? ना हमसे ना ही किसी और से, अब आप चुपचाप यहां से चली जाए, चली जाइए आज। मनीषा, हमको माफ कर दो, हमारा दिमाग खराब हो गया था जो ये काम किया, हमको माफ कर दो। बाबूजी, हमको माफ कर दीजिए बाबूजी। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, लेकिन आप तो बड़े हैं ना, और बड़े छोटों की गलतियां माफ कर देते हैं, हमारे भी गलती माफ कर दीजिए बाबूजी। तो बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन सच्चाई के रास्ते को मत छोड़।